over here. ये टी प्लांटेशंस के नज़ारे दार्जिलिंग या फिर असम के नहीं, इन टी प्लांटेशंस की चाय आपके घर तक पहुंचती है टाटा टी के पैकेट्स में। और ये है मुन्नार, वन ऑफ इंडियाज मोस्ट ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस। मुन्नार सिचुएटेड है इन द स्टेट ऑफ केरला इन साउथर्न इंडिया। मुन्नार में बस टी ही फेमस नहीं है, ये जाना जाता है यहाँ के अनगिनत वाटरफॉल्स और यहाँ का नेचुरल ब्यूटी के लिए भी। आपने नीलगिरी का नाम तो सुना ही होगा, मुन्नार भी नीलगिरी का ही पार्ट है। हम वीडियो में ये भी जानेंगे कि इसे नीलगिरी आखिर कहते क्यों हैं, और ये कहानी काफ़ी दिलचस्प है। अगर हम आपको मुन्नार विजिट करने के लिए इंटरेस्टेड कर पाए हैं तो इस वीडियो में आपको ट्रैवल, होटल और रेस्टोरेंट्स की डिटेल्स भी मिल जाएंगे, साथ ही साथ बेस्ट टाइम टू विजिट, टूरिस्ट अट्रैक्शंस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बजट के डिटेल्स भी इंक्लूडेड है। मैं हूं देवोलीना और मेरे साथ हैं प्रणय, और हम दोनों बिलीव करते हैं जिंदगी इज फॉर गेट सेट ट्रैवल, और इसी उम्मीद लेके हम लोग घूमते हैं पूरे दुनिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मुन्नार पहुंचे कैसे। मुन्नार आप पहुंच सकते हैं बाय रोड, बाय ट्रेन एज वेल एज बाय फ्लाइट। मुन्नार बहुत ही अच्छे तरीके से वेल कनेक्टेड है विद मेजर सिटीज। द नियरेस्ट एयरपोर्ट इज द कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहां से आप कैब हायर कर सकते हैं जो आपको मुन्नार तक लेके आएगा। सिमिलरली अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तब भी आपको कोची रेलवे स्टेशन तक आना होगा, वहां से सेम वे आपको कैब हायर करके आना होगा मुन्नार। लास्ट ऑप्शन इज बाय रोड। फॉर दैट आप कोई भी ओवरनाइट बस बुक कर सकते हैं एंड यू कैन इजीली रीच मुन्नार। ऑल्सो आप हम लोगों के तरह रोड ट्रिप भी कर सकते हैं बाय पर्सनल कार। Hey guys, हम पहुंच चुके हैं मुन्नार। तो अभी शाम का वक्त है, हम अभी पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले हम लोग जब इसी रास्ते से आ रहे थे तो ये जो सूरज की किरणें हैं पहाड़ों के बीच में से आ रही है ये दिख गया, और ये जो पैनोरामिक व्यू है ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा। तो हम यहीं पे थोड़ा सा रुक गए, थोड़ा सा फ़ोटो वोटो खींचने, आगे चलेंगे। अभी शाम का टाइम है वैसे भी, तो जल्दी अंधेरा आ जाएगा, तो जल्दी निकलना पड़ेगा। हम लोग आए बैंगलोर से मुन्नार तक, और हम लोगों को लगा 12 hours इंक्लूडिंग ऑल पिट स्टॉप्स, ब्रेकफास्ट, लंच, सब कुछ मिला के। आज सुबह उठने के बाद जो व्यू मुझे दिखने को मिला आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू ऑल। ब्रेकफास्ट करके निकल पड़े हैं। ओह दैट्स सो नाइस ना, वायलेट कलर का वो ट्री। हाँ तो निकल पड़े हैं। पहले हम लोग जाएंगे अभी कुंडाला डैम, डैम एंड लेक। अब तक व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। ऑल्सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड शेयर योर वैल्यूएबल कॉमेंट्स। हुआ है और हम लोग
में घूमने आए हैं, तो धूप तो है, काफी है, बहुत ज्यादा धूप, गर्मी भी है। यहाँ पे मैं लोकल ट्रांसपोर्ट के बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगी। आप लोग अगर ट्रेन से या फ्लाइट से कोची आ रहे हो, फिर कोची से मुन्नार तक की बसेस या टूरिस्ट टैक्सीज तो मिल जाएंगे आपको इजीली। बट फिर मुन्नार पहुँचने के बाद आपको घूमने के लिए लगेगा लोकल ट्रांसपोर्ट। मुन्नार टाउन मार्केट एरिया में आपको कई सारे ट्रैवल एजेंसीज मिल जाएंगे जो अरेंज करते हैं मुन्नार डे ट्रिप्स एट रुपीज़ 2,200 to 2,500। Also do check with your hotel as sometimes they might arrange day trips for you. कोलकुमलाई जीप सफारी में होटल पिकअप एंड ड्रॉप इंक्लूडेड होता है, जो कि 3,500 से लेके 5,000 तक भी जा सकता है बेस्ड ऑन योर होटल लोकेशन। यहाँ पे थोड़ी भीड़ है इसलिए क्योंकि इधर KFTC फ्लोरिकल्चर है, तो आई थिंक दिस इज द एंट्रेंस टू दैट, तो इसलिए इधर थोड़ा ज़्यादा चहल पहल है। कार पार्किंग करके अभी हम लोग जा रहे हैं डैम के ओर। वेलकम टू कुंडाला डैम। सो पार्किंग लॉट से हम लोग पैदल चलते चलते यहाँ तक आ गए, तो आप लोग उस साइड देख सकते हैं कि बोटिंग भी हो रहा है उस साइड। आई डोंट थिंक स्पीड बोट है, जस्ट नॉर्मल पैडल बोट, बट द सीनिक ब्यूटी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। धूप है बट फिर भी इतना हवा चल रही है ना, तो वैसा फील नहीं हो रहा है। बंदरों का स्विमिंग पूल। कर क्या रहा है उधर? नहा रहे हैं। ये रही वो गुनगुनाने वाली। तेरे प्यार में हाँ चलो ठीक। ये स्ट्रेच बहुत ही बढ़िया है। बेसिकली हम लोग अभी डैम के ऊपर से चल रहे हैं, है ना? हाँ। तो हम लोग पहुंच गए कुंडाला डैम के जो बोटिंग सेंटर है वहाँ पे। स्पीड बोट नहीं है लग रहा है, सो कायकिंग और नॉर्मल पैडल बोट। पैडल चलाते चलाते हम पहुंच गए लेक के बीचों बीच। यहाँ पे कुछ लोग कायकिंग वगैरह भी कर रहे हैं, कायकिंग है। फिर वहाँ पे दूर अगर दिख रहा हो तो शिकारे में लोग बोट राइड एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा है, जैसे ये बादल छाए हुए हैं पहाड़ों पे, फिर कुछ कुछ जगह पे बादलों के बीच में से धूप चमक रही है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। थोड़ा सा धूप कम होता तो और भी थोड़ा फेवरेबल होता, बट धूप तो है। और ये रहे पैडल चलाते हुए। पता है हम लोगों को यहाँ बैठने के बाद पता चला हम लोगों के बोट में शेड नहीं है, बाकी लोगों के बोट में है शेड। इनके तो पोर्टेबल शेड्स है। एग्जैक्टली मेरे नहीं है। उप्स। ग्लिचेस। कर लेंगे अबे। वो दिखाओ ना, वो शिकारा जो है। शिकारा का शिकार करते हैं। थोड़ा सा हम लोग भी जल्दी। चलो। मुझे ना एक चीज चेक करना है, वो है कि
पानी ठंड है कि उसका टेम्परेचर कैसा है? ठंड है, ठंड तो है, कितना ठंड है वो मैं कैसे बताऊ, मैं थर्मोमीटर थोड़ी हूँ। ऐसे 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 कैसे, कितना ठंड है? And that's the dam. और कुछ बताइए बोट राइड के बारे में। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया बढ़िया, सुंदर एकदम। लेक के ऊपर पैडलिंग करने के बाद हम लोग बहुत थक गए थे, गर्मी भी है, सो दिस इज द सॉल्यूशन। मुझे हैट चाहिए प्लीज, चलो ना। अच्छा, अभी हम लोग कुंडाला डैम से भी थोड़ा सा ऊपर है टॉप स्टेशन, उधर जा रहे हैं। मुन्नार की हिस्ट्री में टॉप स्टेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मुन्नार में टी प्लांटेशंस की शुरुआत ब्रिटिशर्स के द्वारा ही हुआ था इन कॉलोनियल इंडिया। उस टाइम पे इतनी अच्छी रोड ट्रांसपोर्टेशन तो थी नहीं, टी पहाड़ों से ट्रांसपोर्ट करने के लिए टॉप स्टेशन तक रेलवे लाइन भी बनाया गया था, और टॉप स्टेशन से रोपवेज भी चलती थी टू द प्लेन्स टू ट्रांसपोर्ट दोस टी कार्टन्स। फिर प्लेन्स में वो टी ट्रांसपोर्ट होती थी रेलवे लाइंस और शिप्स के थ्रू टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया और टू डिफरेंट कंट्रीज। तो हम फिर केरला से तमिलनाडु आ पहुंचे हैं क्योंकि पैदल क्योंकि टॉप स्टेशन है तमिलनाडु में। तो टेक्निकली हम लोग के कार अभी है केरला में और हमें तमिलनाडु में। टॉप स्टेशन जाने के रास्ते में ये काफ़ी सारे दुकान वगैरह भी मिलते हैं, कुछ कपड़े वपड़े वाले आइटम, खाने पीने वाले आइटम भी मिल जाते हैं। शॉपिंग करते करते भी आप जा सकते हो। वैसे हम तो रिकमेंड करेंगे कि शहर से शॉपिंग, हाँ शहर से ही शॉपिंग करें क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा महंगा हो सकता है। तो ये है व्यू पॉइंट का व्यू, जिस तरफ आप देख रहे हैं ये है केरला, ऑन द अदर साइड इनफैक्ट जहाँ पे हम खड़े हैं दैट इज इन तमिलनाडु, ये है तमिलनाडु वाला साइड। इवन ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है यहाँ पे टिकट काउंटर है, 20 rupees पर हेड हिसाब से लेते हैं, तो वो भी तमिलनाडु गवर्नमेंट का ही है। ये ऊपर से पैनोरमिक व्यू पॉइंट है, बट मोर सो सेम ही व्यू है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे चलेंगे हम, हाँ ऊपर भी जाएंगे, बट यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। उधर बादल छाए हुए हैं, केरला में बादल छाया हुआ है, तमिलनाडु में आसमान साफ है। अभी हम पहुंच गए इको पॉइंट, यहाँ पे जैसे आप शायद बैकग्राउंड में सुन सक रहे होंगे कि लोग इधर उधर बहुत चिल्ला रहे हैं इको सुनने के लिए। तो यहाँ पे पहाड़ों का ऐसा ही है सजावट कि अगर यहाँ से कोई चिल्लाए तो वही आवाज़ लौट के आती है, इको जो होता है। ये जैसे देख ही पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, पूरा ये मेडोज जैसा है एंड इट गोज़ इन टू द लेक, बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू है। ये
जस्ट लुक एट दैट साइड. कौन सा? भगवान से ओजोन कंट्री. थोड़ा सा एडजस्ट करके ये रहा. सही है ना? ब्यूटीफुल. के बाद दोबारा हम टी म्यूजियम पहुंच गए हैं. इस बार अब मुन्नार में. मुन्नार में तो यहाँ पे देखते हैं मुन्नार की चाय कैसे बनती है. टी फैक्ट्री म्यूजियम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. कुछ अलग है क्या ऊटी के चाय से? चख के बताते हैं चाय. ट्रिपल परिवार. कंपनी का नाम कन्नन देवन. एक कन्नन एक देवन तो आप में से एक कमेटी बना उसका नाम कन्नन देवन. ट्रिपल वनली साउथ में बनवली छा तमिलनाडु केरला चेन्नई बेंगलोर चार स्टेट में. ट्रिपल जी मुन्नार में टाटा टी करे की कोई भी फैक्ट्री नहीं. बगान टाटा का 8500 एकड़ पे टाटा का बगान. हमारा एकड़ 50 एकड़ मुन्नार में अलग टाटा प्लस से लोग चाय का पत्ती रोज हम लोग खरीद रहे थे. टाटा टी लिप्टन टी जेमिनी टी कन्नन देवन ये भी टी सब टाटा को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग यहाँ से करता हूँ. लेबलिंग कोचिंग से टाटा टी बन. चाय में कितना टाइप चाय होती है वो भी सिग्नेटा उसके बाद चाय को चाय बनवा. मेरे हाथ में 3 पत्ती एक बर्ड्स होती है. कभी भी चाय पत्ता ऐसा चिन्ना स्टाइल बनती है. इसमें कितना टाइप चाय बनवाएगी? 4 टाइप चाय बन के निकालेगा. पहला वाइट टी नाम सुना है, उसके बाद ग्रीन टी, उसके बाद ऑरेंज ब्लैक टी, उसके बाद सीटीसी. सीटीसी बोला है तो क्या है? क्रस्ट टियर कर. पहाड़ों पे चाय और ये रही वही चाय कप में. एक तो चाय बनता है यहाँ के स्पेशल ये नज़ारों के साथ. नज़ारे इतने ही सुंदर है ना, मन कर रहा है कि बस देखते ही रहो, बैठे रहो. एक मस्त सा कुर्सी हो, चाय और ये नज़ारे. मुन्नार ट्रिप के बाकी दिनों का वीडियो यही सीरीज में मिलेगा. अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए गेट सेट ट्रैवल के साथ.